अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुसलमान हाशमी आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। नज़ला और खांसी जिसकी वजह से कोई 4-5 दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, बुखार ने घेरे रखा है, लेकिन खबरें बहुत सारी आती रही हैं। आपको अपडेट करता रहा हूँ, उस वक्त शॉर्ट्स की पोजिशन में था, शॉर्ट्स डालता रहा हूँ तो आपको इतला मिल गई होगी। एक तो जो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने उसके फौरन बाद हमला किया, मैंने उसके बारे में भी बताया कि इस तरह से होता है हमला, उन्होंने 7 जगहों पे हमला किया। लेकिन अब इस मामले को बड़ा वाइंड अप करने की तरफ आते हैं, क्योंकि कल से वैसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया के जो कुछ वेबसाइट्स हैं, और वो खासतौर पर यूथिया वेबसाइट कह लें उनको, या इस तरह से यानी बकवास करने वाली वेबसाइट हैं, तो उनकी तरफ से ट्रेंड चल रहा था कि जी वो बहुत बड़ा मसला बन गया है, ईरान ने वहाँ से फौजें भेज दी हैं और फौजें बॉर्डर पर आ गई हैं और वो इस तरह हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा। यार कुछ भी नहीं होता, पाकिस्तान कोई निक्कू नहीं है कि जिस तरह होता नहीं, वो घर में कह रहे हो तो निक्के बात सुन, तो इस तरह से नहीं होता। होता बात ये है कि पाकिस्तान ने अपना वार थिएटर वहाँ पे शो किया है, और हमें नाज है, हमारी फख्र है हमारी फौज पर कि जिसने ये उधर दिखाया, और अभी पूरा वार थिएटर शो नहीं किया, अभी तो थोड़ा सा सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर में इतना मज़ा आ गया कि वहाँ से उनके वजीरे खारजा का फ़ोन आया है, जिसने यहाँ से कहा है कि यार इस मामले को ख़त्म करते हैं और अब हम अच्छे बच्चों की तरह भाई भाई बन जाते हैं। तो यानी कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, आगे आप खुद ही जोड़ लें, हम भी बचपन में कहा करते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करें, उसके बाद करना क्या। तो ये सारी कहानी सूरत हाल तो आ गई है सामने, लेकिन इस लड़ाई ना होने की वजह से बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन सहाफ़ी, और खास तौर पे एक बंदे का मैं नाम लूंगा कि वो जो मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं ना, वो दुनिया टीवी पे आते हैं, जिनका स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा ताल्लुक है, बैरिया वालों के बहुत ज्यादा, वो है क्या नाम है उनका, उसका नाम पता नहीं क्या यार, वो ऐनक लगाते हैं मेरी तरह की, मतलब मेरी कॉपी करते हैं। तो वो जो है ना, उन्होंने कहा कि फौज को इनकार कर देना चाहिए, जंग लगने वाली है और आप इलेक्शन नहीं हो सकते। तो भाई इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, इलेक्शन तो सर पे आए खड़े हैं। उनकी इस उम्मीद के ऊपर फौज ने कल जो अपना इजलास किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसकी सरबराही की हमारे वजीर आजम अनवर उल्लाह काकड़ साहब ने, और उसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे लोगों में आप जानते हैं बड़े बड़े लोग, हाफिज साहब उसमें मौजूद थे, हमारे नदीम अंजुम साहब उसमें मौजूद थे, बहुत सारे लोग थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, इस मामले को ख़त्म करते हैं, अब जो है ना सुलह से रहेंगे, कोई बात नहीं, हाँ वो हमसे नहीं लड़ते, हम उनसे नहीं लड़ते। उन्होंने पहले हमने हम पे हमला किया था तो हमने चपेड़े करा दिए, उन्होंने एक किया था हमने 7 कर दिए, तो बस ठीक है ना। सेम इंडिया वाली सिचुएशन कि वो अभी गंजन को भेजा था, यहाँ से जब हम लोग गए तो वहाँ पर इंडिया वाले बेचारे इतने पागल हो गए, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर मार के रहे। तो इसी तरह ही होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वैसे सर्दियों की शामें तो चल ही रही हैं, आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इसके मुतालिक और मजीद कोई खबर आनी नहीं है, क्योंकि ना तो ईरान इतनी जुरत करेगा पाकिस्तान के ऊपर दोबारा इस तरह का कोई हमला करने की, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कह दिया कि भाई हमें जहां पे दहशतगर्द मिलेंगे ना, वो जो मैंने शॉर्ट में भी कहा था, बेगैरत लुच्चे वाहियात और चोर, उनके अगेंस्ट जाके हम वहां पे दाड़ 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 करेंगे, मतलब राबटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और बात यह है कि जिस शख्स ने फौज के राबटे खाए हैं उसको अच्छी तरह से पता है कि यार राबटा पढ़ता बड़ा क्लास है। तो मेरे साथ रहिएगा जी, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, फिर मान लो।